हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ फिनेंस टीम में आपका स्वागत है और मैं हूं सर्वेश। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही मेरा छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं सिर्फ ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूं कि हाउ टू स्टडी बिजनेस, हाउ टू स्टडी फाइनेंशियल, हाउ टू स्टडी चार्ट पैटर्न और कैसे हम नए नए बिजनेस को खोज सकते हैं, बिजनेस के आइडियाज को समझ सकते हैं और अगर किसी को स्टार्टअप भी करना हो तो वो भी कर सकता है, बिकॉज हम दूसरे बिजनेस को सीख सकते हैं, हमको वहाँ से लीड मिलती है कि इस टाइप का बिजनेस हो सकता है तो हम इसमें ये कंपोनेंट बनाने लगे तो कुछ कर लेंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आइडिया है, अगर आपको उस टाइप के वीडियो और चाहिए हो, जैसे कल मैंने बताया कि मैं रियल एस्टेट में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको उस टाइप के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। सो आपकी और ये जर्नी काफी बढ़ जाएगी, बिकॉज हम सबको वेल्दी ही होना है। जब हमारी इकोनॉमी कंडीशन अच्छी होगी तो इकोनॉमी कंडीशन सिर्फ ऐसे नहीं, स्टॉक मार्केट ही अकेला नहीं करेगा, आपका रियल एस्टेट करेगा, आपका खुद का पैसा डिपोजिट करेगा, आपका गोल्ड भी करेगा, साथ साथ में अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो कंपनी का नाम है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। हेरिटेज फूड्स लिमिटेड एक काफी अच्छी कंपनी है, साउथ बेस्ड कंपनी है। और चलिए पढ़ते हैं क्या क्या सेगमेंट है। तो कंपनी का जो सेगमेंट है यहाँ पे मैं देख बता रहा हूँ, तो कंपनी का जो सेगमेंट वो मिल्क बेचती है, मिल्क सेलिंग करते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो घर में दही या फिर जो आपके ट्रैवलिंग में कहीं पे जाएं इंस्टेंट जो पीने के लिए ड्रिंक्स रहती है वो रहती है, सारी मिल्क से ही रिलेटेड है। और बटर है, फैट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन बताते हैं, जो एनिमल जो खाते हैं उनका भी ये न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हैं, वो भी काम कर रहे हैं। इनकी एक दूसरी सब्सिडरी है, उसकी कंपनी के द्वारा आइसक्रीम भी बनाते हैं और साथ साथ में ये काफी अच्छा एक सेगमेंट है इनका बिजनेस। अब हम देख लेते हैं कि वेबसाइट पे जाके और क्या क्या है। तो कंपनी बहुत अच्छा है, कर्ड बनाती है और यहाँ पे हम देखें ना तो आइसक्रीम बनाते हैं, डिजर्ट भी बनाते हैं और साथ साथ में मिल्क शेक भी बनाते हैं ये लोग। तो इस टाइप का बिजनेस नो डाउट फ्यूचर में काफ़ी कुछ ग्रो होगा मेरे हिसाब से छोटी। और इनका पर्टिकुलर इनका घी भी आता है, काऊ घी भी आता है, बफेलो घी भी आता है, स्पेशल घी भी आता है। तो दीज आर ऑल्सो कंपोनेंट ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे करके कंपनी के। जहाँ तक इन सब चीज़ों की आजकल प्योरिटी में रहती है तो कंपनी अगर ये सब चीज़ें मेंटेन करेगी तो डेफिनेटली ग्रो होगी, बिकॉज एक टाइम पर जो घी हुआ करता था लोग गांव से लेके आते थे या फिर अपने घर में बनाते थे, अब वो इतना कल्चर नहीं रहा है, सारा काम कंपनियां ही कर रही हैं और खाने पीने की चीज़ों में कोई कभी लोग कतई नहीं बरते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। और पनीर भी बनाते हैं, फ्रेश पनीर है इनके पास, और ये आपको मैंने डेयरी हेल्थ मिल्क भी बताया इनका। और तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी कुछ है, मेरे हिसाब से लस्सी भी बनाते हैं। तो प्रोडक्ट ये सारे ग्रो होंगे और अभी भी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, गुलाब जामुन रसगुल्ला भी बनाते हैं। तो खाने पीने के सेक्टर में काफ़ी अच्छी कंपनी है। और भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इनके। तो मैंने आपको ये बताया इनको ये क्या लिखा है यहाँ पर, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग इज दैट कि मिल्क एंड वर्ल्ड प्रोडक्ट्स ऑल्सो जनरेशन ऑफ पावर थ्रू हेरिटेज फूड इज द इंगेज ऑफ द बिजनेस प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क को और मिल्क प्रोडक्ट को प्रोक्योरमेंट करते हैं, ऑल्सो जनरेशन पावर थ्रू सोलर एंड विंड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ डेयरी प्लांट। तो ये अपनी पावर भी बना रहे हैं, दिस इज ऑल्सो गुड। द कंपनी हैज ऑल्सो ओवर द 15 लाख के आसपास इनकी रीच है घर के आसपास, जिनके घर में इनका दूध वगैरह दही सप्लाई होता है, यहाँ पे लिखा भी है। कंपनी प्रोडक्ट्स इंक्लूड मिल्क, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड, आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट, पनीर, बटर मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, लस्सी, मिल्क पाउडर एंड स्वीट्स। तो काफ़ी अच्छा है इन सब का, आपको नाम लेते हुए कहीं मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, वो एक बात अलग है। मिल्क से इनके पास 67% रेवेन्यू आता है, वैल्यू एडेड से 24%, फैट से 5% और अदर से 4% आता है। प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया, इनके पास 11 स्टेट्स में प्रेजेंस है और कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट डेयरी है साउथ इंडिया की। और सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इनका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। और बाकी इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पर दी गई है, प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के पास सब्सिडरी भी है अलग अलग उस कंपोनेंट के बिजनेस को डील आउट करने के लिए। मेनली कंपनी ने रिलायंस फ्रेश का भी एक्विजिशन किया था 2018 में। द कंपनी एक्वायर्ड द डेयरी बिजनेस ऑफ रिलायंस फ्रेश इन 2018। इट हैज द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 2 लाख लीटर पर डे मिल्क, इनके पास इतनी कैपेसिटी है। एंड राइट इशू भी कंपनी 30 सितंबर 2022 को लाया। तो ये राइट इशू के कारण कभी कभार जब भी कभी कोई कंपनी का राइट इशू आता है तो शेयर की प्राइस डेफिनेटली नीचे गिरती है। द कंपनी फोकस इज द पेनिट्रेटिंग ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट वाइल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट मिल्क, एक्सपेंडिंग द फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड आउटलेट्स
तो कंपनी का ये भी फोकस है कि एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करें, तो ये भी मेरे हिसाब से फ्यूचर में काफी कुछ ग्रो हो सकता है बिजनेस, बिकॉज खाने पीने की चीजों में अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं तो ग्रो होने की कोई चांस ऐसा नहीं है कि आपको ग्रो ना होने दें। तो मार्केट कैप सिर्फ 1711 करोड़ है, करंट प्राइस 185 रुपए है, 194 रुपए हाई गया, 127 लो गया है, एंड तो वी कैन से दैट ऑल टाइम हाई के ईयर के हाइक पे ही चल रहा है। और स्टॉक का पी 32.6 है, इंडस्ट्रीज का पी 44 है, तो इंडस्ट्रीज के पी से थोड़ा सस्ता है। बुक वैल्यू 72 है तो ये भी ठीक है, डिविडेंड भी देती है 2.7% और इस टाइप की कंपनी के लिए 21.2 आरओसी बहुत अच्छा है, आरओवी ठीक है 16%, फेस वैल्यू 5 रुपए है स्टॉक की, इंडस्ट्री का पी मैंने बताया, पेग रेशियो यहाँ पे माइनस में 1.77, मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा ग्रोथ है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कितना ग्रोथ है खाने पीने में, और आगे बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन रहेगा। और जिस तरह से ये मिल्क के छोड़ के अब और भी अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं खाने पीने के लिए, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.55 है, प्रमोटरी होल्डिंग ठीक ठाक है 0.41.6, डेट कुछ है नहीं, डेट फ्री कंपनी है, 3 साल पहले मार्केट कैप 2558 करोड़ था, तकरीबन अभी उससे कम है क्योंकि शेयर का प्राइस डाउन हो चुका है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 9.28 करोड़ है, ऑल टाइम हाई 451 गया, तो ऑल टाइम हाई से काफी कुछ करेक्ट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं शेयर के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2022 की जो जमी हुई है, दिसंबर 22 के रिजल्ट हाईएस्ट एवर नहीं आए, बट इस ईयर में थोड़ा सा इन्होंने रिजल्ट थोड़े इनके डाउन आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा शेयर की पिटाई हो चुकी, बट मेरे हिसाब से ये बिजनेस समटाइम चलता है ऊपर नीचे, सब इट इज अ पार्ट ऑफ दैट बिजनेस, बट सेल्स इज गुड, मेरे हिसाब से 786 करोड़ की सेल्स हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 करोड़ का आया है, और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 14 करोड़ के पास नेट प्रॉफिट आया है, वो क्यों आया है वो भी बताऊंगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी के पास 3119 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स आ रही है, और सेल्स गुड है जिस टाइप का बिजनेस सेगमेंट है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कंजम्पशन नहीं होता, धीरे धीरे पेनिट्रेशन होता है बिजनेस का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 120 करोड़ दिख रहा है, और अगर हम बात करें इनका ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिटेबिलिटी की, तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी 52 करोड़ रुपीस आया है, तो दैट इज ऑल्सो गुड है, ट्रेलिंग 12 मंथ में आ रहा है, बट लास्ट ईयर से कम आया है, लेट देम मार्च के रिजल्ट आ जाने दीजिए। इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस स्टॉक वाइल अपनी स्टडी के बेस पे, मेरी स्टडी के बेस पे नहीं, अपनी स्टडी के बेस पे, तो कम से कम मार्च के रिजल्ट आ जाने दो, फिर आपको अगर थोड़ा सा मार्च के रिजल्ट इसी के आसपास आते हैं तो थोड़ा बहुत और डिस्काउंटेड मिल सकता है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो 23 करोड़ इनका शेयर कैपिटल है, रिजर्व 649 करोड़ का रिजर्व है, बोरिंग भी 19 करोड़ की है, आप देखिए ना कंपनी ने लगातार बोरिंग कम की है, दिस इज ऑल्सो गुड हेयर। और हम बात करें फिक्स असेट की, 576 करोड़ का फिक्स असेट है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी 18 करोड़ है, तो दैट इज ऑल्सो गुड हेयर, जो कंपनी को काफी अच्छा बनाता है, और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, गुड है। और प्रोमोटर होल्डिंग लगातार प्रोमोटर ने थोड़ी थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है, FI की भी थोड़ी होल्डिंग है, DI की बहुत अच्छी होल्डिंग है 15.40, और उसके अलावा ज़्यादातर जो माल है वो पब्लिक के पास दिख रहा है, बट पब्लिक के पास यहाँ पे 30-28% के आसपास पब्लिक के पास है, तो ज़्यादा नहीं है। विजय किड़िया जी की भी होल्डिंग है इसमें 1.2%, दैट इज ऑल्सो गुड एयर कि एक अच्छे खासे इन्वेस्टर जो छोटी कंपनियों को ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और उनको बार बड़ा होता है वो देखते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड एयर। एंड अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट पैटर्न में मुझे ऐसा लगता है इसका अब जो बेस बनना था वो बन चुका है बेस, और यहाँ से शेयर का मूवमेंट मुझे अपसाइड ही लगता है, और अपसाइड मुझे लगता है आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए भी हो, जब यहाँ पे जो डबल टॉप लगा के गया और डबल टॉप के बाद ऐसा रहता ही है जो चार्ट की स्टडी रहती है, डबल टॉप मारता है तो नीचे ही आता है, डबल बॉटम मारता है तो फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे डबल टॉप मारा उसके बाद शेयर नीचे आ गया काफी कुछ, और अभी अगर हम देखें ना तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से इस सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा अब, क्योंकि अब फाइनेंशियल थोड़ा बहुत सुधर रहा है, कंपनी नए नए बिजनेस सेगमेंट में भी आ रही है, सो मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड सपोर्ट हेयर। अगर मार्च के रिजल्ट के आने के आसपास थोड़ा सा और नीचे मिलता है 150 के आसपास, दैट इज विल बी अ गुड फॉर यू, नहीं मिलता है तो आप अपने हिसाब से देख लेना, आप अपना डिविडेंस अवश्य करना है इस कंपनी के लिए। एंड अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑल टाइम हाई के लिए इसको लेके रखते हैं तो ऑल टाइम हाई के लिए यहाँ पे अगर आप देखें कितना का रेवेन्यू बन सकता है, कितना प्रॉफिट यहाँ से आ सकता है,
तकरीबन 150% के आसपास करंट प्राइस से यहाँ से मुझे मूवमेंट नजर आता है, जैसे जैसे कंपनी के जो प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। आई होप ये 150% अगर 3 साल भी लगा ले तो क्या बुरा है, 50% पर ईयर के हिसाब से इतना तो कहीं नहीं मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से वो नहीं आएगा। मार्च के रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर आप अपने हिसाब से डिलीवरेंस करके देख सकते हैं इसमें। सो दिस वॉज द वीडियो ऑफ हेरिटेज फूड लिमिटेड। मेरे तो मुंह में पानी आ गया इस टाइप की चीज़ें आइसक्रीम वगैरह देख के, आई होप आपके मुंह में पानी आ गया होगा, माई माउथ इज वाटरिंग। सो चलिए चलते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। सो दिस वॉज द वीडियो ऑफ हेरिटेज फूड, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। टिल देन टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।